मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाइक है किसकी गाइस, जानू की बाइक है, आमिर की बाइक है यार। लो देख रहे हो गाइस, अपने पैसा खर्चा हुआ है, मेरी हो चुकी है। जब बंदा पैसा खर्च कर देता ना तो गाइस फिर बाइक उसकी हो जाती है। ओ भाई, ओ हो यार, मेरी बाइक मैंने तेरे को बेच दी, ये शेरू स्पोर्ट्स कार मेरी है, मैंने तेरे को बेच दी, मैंने पैसा ले लिया, अब मालिक कौन हुआ? तू है ना। Hey guys, welcome back to another YouTube video. And guys, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल तो गाइस अपने दिन की शुरुआत में S1000RR से हो रही है। गाइस चेक करो, कर रहे हो इसकी आंखें, देख रहे हो क्या मस्त, क्या गजब चीज़ लगती है। आज गाइस आपका भाई वापस से एक वाला ब्लॉग ना नहीं आ रहा। एंड गाइस के चैनल पे नए हो वो ना सब्सक्राइब करो, अपने भाई को फुल सपोर्ट करो गाइस, 1000 के वीडियोस मस्त आने वाले हैं। फुल सपोर्ट दिखाओ यार, फुल सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से ना। तो गाइस चलते हैं एक मस्त वाली राइड करते हैं। एंड गाइस वीडियो को पूरा देखना, काफी क्रेजी वीडियो होने वाली है। एंड गाइस इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। अभी गाइस मोटर लगी हुई है तो मैंने बोला कि रहने तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगी, तो इसलिए इसको कोल्ड स्टार्ट करके पहले फिर बाहर निकालता हूँ यार। ये देखना गाइस कितना साउंड करेगा अब। वो ये करो गाइस, देखो कितनी ज़्यादा लाउड है यार, बहुत ज़्यादा लाउड, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है ये। इसको जब कोल्ड स्टार्ट करते हैं ना तो गाइस इसका RPM भी लाख हो रखा है अभी 6 पे, और अभी इसका RPM जा चुका है 2000 से ऊपर। तो अभी ये वापस से नीचे आएगा तो इसकी साउंड थोड़ी कम हो जाएगी, फिर इसको बाहर निकालते हैं। अपनी लाल परी बाहर आ चुकी है और फटाफट से चलते हैं। आज गाइस मेरे साथ जा रहा है शिकारी, तो चलते हैं यार। अभी रेंज भी इसकी 52 किलोमीटर है, जिस दिन से लाया उस दिन से बाइक चल रही है, पेट्रोल एक बार नहीं डलवाया। एंड गाइस इसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है यार, हायाबुसा से ज़्यादा माइलेज है इसकी। सुबह सुबह टाइम पर एक मस्त वाला ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मेरे को दोपहर के टाइम इतना टाइम नहीं होता, मैं सुबह सुबह ही अपने काम सारे पेल देता हूँ। अबे ये शिकारी अभी तक आया क्यों नहीं, अब इस शिकारी का वेट करना पड़ेगा यार। एंड गाइस शिकारी देखो सामने आ चुका है और चलते हैं गाइस अब आज इस तरफ वाले रोड पे जाएंगे। और भाई अभी सीन कुछ ऐसा है, हम लोग जा रहे हैं भाई कॉलेज वाली साइड, तो यहाँ का रोड काफ़ी मस्त है। यहाँ पे नहीं, आगे चल के देखना क्या कितना स्मूथ रोड आएगा, एकदम बढ़िया। और वहाँ पर थोड़ी सी बाइक अपनी भगाएँगे यार। ये आ गया आपका रेस और ये रेस प्रो। एंड गाइस यहाँ पे आ चुका है अब रेस प्रो, और मैं अभी रेस प्रो में चलाऊंगा अपनी बाइक। तो इसमें पावर आपको पता है, फुल पावर हो जाती है रेस प्रो में, काफ़ी ज़्यादा पावर हो जाती है यार। और काफ़ी बाइक भागने वाली है भाई इस तरफ, आगे चल के ना थोड़ी भगाएंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी कम होता है, और थोड़े वैसे गाँव का एरिया तो जानवर वगैरह आ जाते हैं यार, इसलिए थोड़ा देख के चलना पड़ता है। ये चेक करो गाइस, रेस प्रो में क्या फुल पावर मारती है बाइक। देखो 100 तो ऐसे होती है कि जैसे मतलब कि मानो 100 से ही स्टार्ट हो रही है, 100 तो ऐसे टच मार देती है फटाफट से ना। ये देखो गाइस फुल पावर बाइक है यार, बहुत ही खतरनाक पावर है। एंड गाइस अपनी बाइक में ना थोड़ा रैप वगैरह करवाना, वो यहीं से करवाता हूँ मैं, ये दुकान अभी बंद है भाई की, तो काफ़ी अच्छे से रैप करता है, मैं सोच रहा हूँ इसको रैप करवाऊँ, तो पहले नंबर वगैरह का सारा काम हो जाए, फिर रैप वगैरह सारा कुछ करवा देंगे। तो काफ़ी यार क्रेज़ी बाइक बनाने वाला हूँ, और इंडिया की नंबर वन बाइक होगी हमारी अपनी, जो हम लोग इसको हमने जो मतलब कि हम लोगों ने इसको सोच रखा है कि ऐसी बाइक बनाएंगे। तो गाइस मैं बात कर रहा था कि हम लोग ओनली वन इंडिया अपनी S1000RR को बनाएंगे। तो एक गाइस अपनी R1 भी रेडी हो रही है, कल की वो पेंट वगैरह में गई हुई है बाइक, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी तगड़ा सा मॉड करवा रहे हैं वही R1 में भी, तो दोनों सुपर बाइकें ख़तरनाक लगने वाली है। तो गाइस आप बस स्पोर्ट बना के रखो यार, काफ़ी क्रेजी वाली बाइक बनाएंगे। एंड राइड भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में एक राइड लगाई जाए, अब देखते हैं यार किस तरफ जाना है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जाएंगे और ख़तरनाक वाली राइड करेंगे गाइस। लॉन्ग राइड होगी अपनी S1000 पे, काफ़ी मज़ा आएगा भाई। ओ भाई, ओ हो यार, क्या फ्राई बाइक दिखी है यार। ओ भाई क्या यार, रेस प्रो में कितनी पावर है यार इसमें, खतरनाक भाई। अभी ये 48 किलोमीटर है इसकी रेंज, तो आज का राइड भी हो जाएगा ज़बरदस्त, क्योंकि अभी हमने थोड़ा और आगे जाना है। एंड गाइस काफ़ी लोग यार कमेंट कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाइक है किसकी गाइस, जानू की बाइक है, आमिर की बाइक है यार। लोग कमेंट कर रहे हैं जानू की बाइक अब कमेंट आ रहे हैं, आमिर की बाइक क्या करे यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा
यार इतना पैसा खर्च किया हुआ मैंने, फिर भी लोग कमेंट करते हैं यार। आप पहले गाइज ठीक है उनकी बाइक थी, अब मुझे नहीं पता, मैंने तो जानू से ली। अब गाइज मैंने पैसा खर्चा हुआ है यार, अब मेरी हो चुकी है। जब बंदा पैसा खर्च कर देता है ना तो गाइज फिर बाइक उसकी हो जाती है। देखो गाइज शिकारी अपनी बॉडी दिखाने आ गया। जब हम लोग बाइक बेचते हैं अपनी, मेरी बाइक मैंने तेरे को बेच दी, ये शेरू स्पोर्ट्स कार मेरी है, मैंने तेरे को बेच दी, मैंने पैसा ले लिया। अब मालिक कौन हुआ? मालिक मैं हुआ, तू है ना। तो भाई साहब लोग बोलते हैं उसकी बाइक चला रहा, उसकी बाइक चला रहा, भाई उसकी नहीं चला रहा, मैंने पैसा दे के चला रहा। तो भाई एक चीज और, जब बाइक कंपनी में लगी होती है तो बाइक इनकी होती है, तब बाइक तब कंपनी ही होती है। कंपनी जब तू जाएगा लेने, जब तू पैसा दे देगा उनको, फिर कौन हो जाता मालिक? फिर किसकी हो जाती है? तेरी हो जाती है ना। तो भाई यही सब सीन होता है जब हम सेकंड हैंड या नई बाइक लेते हैं, तो गाइस जब जो बंदा पैसा देता है तो बाइक उसकी होती है। तो पहले तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जानू की बाइक, जानू बाइक, अब कमेंट आ रहे हैं आमिर की बाइक। भाई साहब मुझे किसी से कुछ नहीं लेना था, मैंने पैसा दिया बाइक लाइक, यहाँ तक कि मैंने वीडियो भी डाला हुआ पैसा देता हुआ, सारा कुछ किया हुआ है। तो भाई तो यार ध्यान रखो, अब अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है गाइस? उनकी बाइक है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये तो नहीं अच्छा लगता कि आप उसकी बाइक चला रहे हो। मैं भाई ऐसी किसी की बाइक नहीं चलाता, मैं अपनी बाइक परचेज करके चलाता हूँ। ऐसे किसी की चलाता हूँ बाइक मांग के? मैं किसी की नहीं चलाता भाई, मैं अपनी चलाता हूँ और किसी की नहीं चलाता। अपने भाई लोगों की चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अब मैं अपनी परचेज, यहाँ तक कि मैंने टेस्ट ड्राइव तक नहीं ली थी बाइक की, जब मैंने अपनी डील वगैरह हो गई थी उसके बाद गाइस मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी। जब मैं बाइक लेने गया ऐसे मैंने बिना टेस्ट ड्राइव के मैंने बाइक परचेज की हुई है ये, ठीक है? तो ये सब होता है, खैर लोगों का काम है यार। लेकिन भाई अपने इस भाई को सपोर्ट दिखाओ यार, अपनी S1000 आपके भाई के पास है, वो भी अपने भाई थे, मैं भी आपका ही भाई हूँ, टेंशन ना लो। और मैंने ली उसने ली, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसने भी ली भाई, जब तक वो पैसा देता है वो मालिक है, जब तक मैं पैसा दे रहा हूँ मैं मालिक हो गया। बस यही सीन चलता रहता है, यही सिलसिला चलता रहता है। यहाँ से पेंट निकला हुआ है। तो सुबह सुबह टाइम हम लोग निकले थे गाइस एक मस्त वाली राइड करने। एंड यार ये कल भी मेरे को फ़ोन कर रहा था, कल क्या हो गया था, कल मेरी हेलमेट नहीं थी यार, हेलमेट छोड़ के आया था साहिल की शॉप पे, तो बस कैमरा था, मैं कैसे आता। तो फिर मैंने यार आज मेरी वापस से नींद खुली, तो मैंने बोला यार शिकारी को बुलाते सुबह सुबह और चलते एक मस्त वाली राइड करते हैं। तो भाई R1 भी मॉडिफाइड ना हो रही है काफ़ी ज़बरदस्त, कि मैंने भी भाई इसको करना है, बट अभी थोड़ी देर के बाद करूँगा क्योंकि अभी इतना सारा पैसा खर्च किया है, स्पोर्ट चाहिए गाइस आप। तो यार काफ़ी अल्टीमेट क्रेजी मशीन है यार, काफ़ी मज़ा था इसको चलाते हुए। वो जो हायाबुसा थी ना, तो वो तो काफ़ी मतलब कि ऐसे अलग ही चीज़ थी वो भी, वो तो हाँ ट्रैफिक में नहीं चलती थी, वो हाईवे पे चलती थी, बट ये ट्रैफिक में आराम से चलती है, कंट्रोल बड़े अच्छे से होती है। तो मैंने इसलिए ये ली क्योंकि तो संभाल सकता हूँ। हायाबुसा थोड़ी हैवी है यार, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए ना तो गाइस वो गिरती गिरती है। एंड गाइस काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही कि डीवी किलर उतारो, बट मेरा अभी मन था कि निकाल दूँ, बट यार अभी मेरे पास इसकी ना चाबी नहीं है खोलने वाला। तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग डीवी किलर निकाल के इसका एक ब्लॉग बनाएंगे, फिर ज़्यादा लाउड हो जाएगी क्योंकि अभी देखो बिना डीबी किलर भी कितनी ज़्यादा लाउड है गाइस, ये चेक करो। देखो गाइस अभी भी कान फाड़ रही है, जब इसमें डीबी किलर निकाल देंगे ना तो बुरा हाल करेगा गाइस, इतनी तेज़ हवा बजती है ना ऊपर, ये चेक करो गाइस बहुत ही ज़्यादा लाउड हो रखी है यार ये बिना एग्जॉस्ट के भी। जब इसमें आपको पता ही है जब वो डीबी किलर निकालेंगे तो ये कान फाड़ के रख देगी भाई। तो कोई नहीं वो भी निकाल देंगे, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, मैं मोड़ काट लूँ। यार ये ऐसी बाइक है, बोलती है मेरे को छोड़ो और मैं खुद भागूंगी, रेस दे के रखो भाई। वो आ गया टैंक रिजर्व लेवल आ गया गाइस, देखो भाई रिजर्व पे आ गई भाई, टैंक का भी आ गया भाई, इस पे देखो दो सेल दिखा रहा है, क्या बात है यार, ये तो इस पे सब कुछ है पर दिखता ही नहीं है यार। पीछे रिएक्शन देख रहे थे बंदे कैसे भाई, फ्यूल गेज भी है, मेरे को लगा कि फ्यूल गेज नहीं होगा बट है 46, मतलब 50 किलोमीटर हम लोग इसको चला सकते हैं रिजर्व पे, तो ठीक है यार अच्छी है। टैंक इसका लगभग 16-17 लीटर का है शायद। और गाइस अभी चलते हैं यार घर को वापस। गाइस का यार जो मीटर है ना काफ़ी सही मीटर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं डिजिटल फुल डिजिटल पे आया हूँ, क्योंकि पहले बूजा का था आपको पता ही है उसका कैसा है। तो लेकिन यार जो बूजा का मीटर है ना वो तो अलग ही लेवल की चीज़ है, बट ये भी तो बहुत अच्छा है, बट वो कुछ और ही थी यार, वो कुछ और ही फील देती थी।
आज की राइड कैसी लगी यार? बढ़िया राइड थी यार। बढ़िया थी ना। अब भाई भाई लोगों को बोलो सपोर्ट करो। हाँ गाइस सब पूरे को भी सपोर्ट करो यार, बूजा राइडर भैया का चैनल है। तो गाइस नाम चेंज है, बूजा तो भाई बिक गई, S1000 RR आ गई। अब भाई नाम सोच रहा हूँ, नाम वही रखूंगी, रहन दूँ यार, नाम से ज्यादा जुड़ी है यार अपनी, मन तो नहीं कर रहा मेरा फिलहाल। तो गाइस अभी वही नाम रखते हैं, बाद में देखते हैं, अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे। आप लोग क्या सुजेस्ट करते हो गाइस? आप लोग बताओ कि नाम चेंज करना चाहिए तो कर देंगे, नहीं करना चाहिए तो गाइस वही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग गाइस कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या नाम रखा जाएगा, अगर कुछ चेंज भी करना हो, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा अभी। तो फिलहाल तो गाइस आज की यही मस्त वाली छोटी सी राइड थी, काफ़ी मज़ा आया यार राइड करके। सो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट मस्त अच्छे से वीडियो में। तब तक गाइस बाय बाय टाटा। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलिए गाइस फिर, ओके बाय बाय।